काफ़ी एक्साइटमेंट है, काफ़ी नर्वसनेस है क्योंकि एक किस्म की बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, एक अलग किस्म की कॉमेडी भी है, अलग किस्म का कॉन्टेंट भी है. तो या होपफुली लेट्स सी, ईगली वेटिंग नाउ फॉर द रिस्पॉन्स. नो, हम लोग तो रेडी हैं. आई होप कि लोग जाएं, अगर उनको कुछ प्रोमोस पसंद आए, गाने पसंद आए, दे शुड गो, दे शुड एंजॉय द फिल्म. हमने बहुत मेहनत की है, सो आई होप यू लाइक द फिल्म. जो दो कैरेक्टर्स हैं हमारी पिक्चर में, जो एकदम टिपिकल हीरो या हीरोइन टाइप कैरेक्टर्स नहीं है, एकदम किस्म के कि प्यार हमेशा एक करेक्ट आदमी और करेक्ट लड़की के बीच में नहीं होता है. प्यार कभी कभी दो नॉट सो करेक्ट और थोड़े टेढ़े लोगों के बारे में या थोड़े रियल लोगों के बारे में जिनमें काफ़ी खामियाँ होती हैं उनके बीच में भी हो सकता है. तो ये आई थिंक हमारी USP है, जो दो कैरेक्टर और दुनिया बनाई है विनिल मैथ्यू ने, कि थोड़े टेढ़े लोग, थोड़े रियल लोग, थोड़े हर किसी में थोड़ी खामियाँ होती हैं, हर कोई थोड़ा टेढ़ा होता है, हर कोई थोड़ा अजीब होता है. तो कैसे दो अजीब लोगों के बीच में प्यार होता है, आई थिंक वो आपको ज़्यादा पसंद आएगा. ये पिक्चर वैलेंटाइंस डे स्पेशल होगी ऑफकोर्स. आई थिंक अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, किसी के साथ डेट पर जाना चाहते हैं, पिक्चर करेक्ट है. इसमें काफ़ी रोमांस है, उतना क्यूट मोमेंट्स हमारे पास काफ़ी हैं. लव स्टोरी इज ऑलवेज गुड फॉर अ रोमांटिक, फॉर अ वैलेंटाइंस डे. एंड हमारी में काफ़ी लव है और काफ़ी रोमांस. आई एम ग्लैड कि विनिल सर को इतना कॉन्फिडेंस था मुझ में और सिद में, और उन्होंने हम दोनों को इस पिक्चर में लिया. जैसे कि हमने बताया, बहुत हंसी हंस खेल में हमने पिक्चर बनाई. अजनबी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो अगर आप बल्ब झपकेंगे तो गायब हो जाएंगे. नहीं नहीं, उन्होंने एक छोटा सा कैमियो किया है. एंड इनफैक्ट विकास बहल, मधुमन टेना, ये सब प्रोड्यूसर्स हैं, उन सबको हम लोग जो भी सेट पर होता था बोलते थे एक सीन करो. तो सिर ने ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ एक्टिंग की है पिक्चर में. बट इट वाज जस्ट आउट ऑफ फन एंड प्ले एंड वाज स्वीट एनफ टू से यस. बजट प्रॉब्लम थी और बाकी एक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर पाए हम लोग. तो हमने कहा कि आप फ्री में काम करोगे, जितने लोग थे सबको यूज कर लिए. ऐसे हमने कम बजट में पिक्चर बनाई. टुडेस कॉन्टेक्ट, आई थिंक इफ अ गर्ल स्माइल्स एट यू, इट्स नॉट दैट शी इज फॉलन फॉर यू. आई थिंक इट्स स्माइलिंग इज अ पॉजिटिव थिंग, इट्स अ वेरी वेलकमिंग थिंग. इट्स लाइक शी वांट्स टू, आई मीन शी लाइक्स यू. Or maybe she wants to talk to you more. She's interested. Oh, she's interested. Hopefully. So hopefully it's apt for some of the girls. What do you think? yeah, definitely. Like you said, it's not just ke, jaise hum kehte the, hasi to bazi, siraf hasne se phas jaate hain, aisa nahi hai. I think it's the beginning. I think it just means that there could be a possible friendship, possible relationship, that she's not completely against you. So I think it's just the starting point, not the ending point.